नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, गोदी मीडिया को देखकर आपको ये भ्रम हो सकता है कि अमेरिका ने मोदी जी को बुलाकर चक्रवर्ती सम्राट का ओहदा दे दिया है और पूरी दुनिया में उनका डंका बजेगा। अमेरिकी लोग और अमेरिकी मीडिया ने भले ही उनको खास तवज्जो न दी हो, मगर मोदी जी ने न भूतों न भविष्यते वाले अंदाज में दिखलाई पड़ रहे हैं। सब जानते हैं कि अमेरिका का चरित्र क्या है। वो जो भी करता है धंधे के लिए करता है। अगर मोदी जी उससे और माल खरीद ले, कुछ और बड़े सौदे कर ले, तो वो एक दिन के लिए व्हाइट हाउस पर आरएसएस का ध्वज भी लहरा सकता है और उसके प्रांगण में शाखा भी लगवा सकता है। जहां तक अमेरिका में फंसे भारतीयों की बात है, तो उन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उन्हें ना तो भारत की असलियत का पता है और ना ही उससे कोई खास वास्ता वो रखते हैं। यहाँ डेढ़ महीने से मणिपुर जल रहा है और वे शोर मचा रहे हैं कि मोदी जी रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सच्चाई से वाकिफ है और मोदी राज के उन कारनामों को सामने ला रहे हैं जिन्हें अमरीकियों और दुनिया को जानना चाहिए। लेकिन असल सवाल ये है कि इस यात्रा और इसके इर्द गिर्द खड़े किए गए तमाशे से मोदी जी का राजनीतिक एजेंडा पूरा हो रहा है या नहीं। क्या राहुल गांधी ने जो पोल पट्टी खोली थी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान, उस पर इस यात्रा से मिट्टी पड़ जाएगी? क्या एक के बाद एक घटनाओं से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उनकी जो छवि गंदली हुई थी, वो फिर से दमकने लगेगी, चमकने लगेगी? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और अमेरिका की डेनवर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान को। तो आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। प्रोग्राम में आपका स्वागत है प्रोफेसर खान। थैंक यू वेरी मच मुकेश साहब बुलाने के लिए, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कारम, वनकम जी। तो मेरा पहला सवाल यही है प्रोफेसर मुक्तदर की, बड़ा हंगामा है हिंदुस्तान के मीडिया को देखे तो आपको लगेगा कि इससे बड़ी घटना इस पूरे प्लेनेट पे, इस पूरे ग्रह पर कोई और नहीं हो रही है। और ये भारत का स्वर्णिम काल है जहां पर उसके प्रधानमंत्री को विश्व स्तर पर आदर सत्कार से नवाजा जा रहा है। क्या सचमुच में ये इतनी बड़ी घटना है? देखिए, इट इज इंटरेस्टिंग के ये समझना के इंडिया के लिए ग्रेट मोमेंट आ गया है क्योंकि अमेरिका इंडिया को रिकॉग्नाइज कर रहा है। सो दे हैव टू रियलाइज कि आप इतने खुश इसलिए हो रहे हैं कि अमेरिका ने आपको रिकॉग्नाइज किया है। इट्स नॉट कि आप अमेरिका से बड़े हो गए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये है कि जब आप इंडियन मीडिया देखते हैं और फिर अमेरिकन मीडिया देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि दो डिफरेंट प्लैनेट्स पर हैं। आप देख लें पूरे जो मेन स्ट्रीम अमेरिका के जो न्यूज़पेपर्स हैं, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, या जो मेन प्लेटफॉर्म्स है CNN वगैरह, उनका कवरेज बहुत ही अलग है इंडिया से। उनका कवरेज बार बार दो तीन चीज़ें हाईलाइट करता है कि क्या अमेरिका इंडिया से जो ताल्लुक बढ़ा रहा है, इज़ इट अलाउइंग जियोपॉलिटिक्स टू ओवरकम ह्यूमन राइट्स। यानी यही कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स के वजह से क्या अमेरिका ह्यूमन राइट्स को और डेमोक्रेसी को बेसिकली दगा कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जो बाइडन ने जो कहा कि दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डेमोक्रेसीज और अथॉरिटेरियन रिजीम्स के बीच में है, तो कई अखबार, इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क टाइम्स जो पेपर ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं हमारे पास, तो उसमें अल्फाज ऐसे यूज किए गए, डेमोक्रेसी ओनली इन नेम, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, इस तरह के अल्फाज यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई व्हाई इज बाइडन वेरी क्वाइट। क्योंकि जब बाइडन इलेक्ट हुए थे और इलेक्शन के दौरान उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ह्यूमन राइट्स विल बी द सेंटर पीस ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, तो ये कह रहे हैं कि फिर वापस आ गए हैं। तो जो बहुत ही संजीदा तौर पर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका हैज टू बैलेंस इट्स आइडियल्स और उसकी प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म को बैलेंस करें। हाँ, समझते हैं, ज़रूरी है। देखिए, इंडिया के अमेरिका के लिए तीन ज़रूरतें हैं इस वक्त। मैं हमेशा कहता हूँ कि अमेरिका जो है सो अकेला नहीं लड़ता, उसको साइड किक की ज़रूरत होती है। तो जब वो सोवियत यूनियन के साथ लड़ रहा था, यूरोप वॉज अ साइड किक, बैटमैन को रॉबिन की ज़रूरत होती। अब चाइना के खिलाफ अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में एंटर हो रहा है, वी आर
प्रैक्टिकली इन ए कोल्ड वॉर नाउ, तो इंडिया इज इंडिया को चुन लिया है एज अ साइड किक कि तुम मेरे रॉबिन हो गए व्हेन वी गो आफ्टर चाइना. तो इट नीड्स, और इंडिया के पास वो है, चाइना से ज्यादा बंदे हैं अपने पास, लड़ाई में तो बहुत ही काम आएंगे ये, प्लस द लैंड मैस बॉर्डर्स चाइना. तो अगर जंग होती है चाइना के साथ तो समंदरी जंग ताइवान के पास होगी और जमीन की जंग यहाँ अपने इंडिया के बॉर्डर्स पर होगी. तो अमेरिका नीड्स इंडिया, इंडिया में बेसिस बनेंगे, इंडिया में आके अमेरिका के फौजें लैंड करेंगी. सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल के इंडिया, तो दे आर प्रिपेयरिंग इंडिया टू बी दैट काइंड ऑफ ए पार्टनर. इंडिया को अब वो ट्रेन कर रहे हैं, इस साल के जो डिफेंस बजट है इंडिया के जूनियर ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए. व्हाट आर दे गोइंग टू बी ट्रेन्ड इनटू? दे विल बी ट्रेन्ड टू बिकम इंटरऑपरेबिलिटी, नाम का वर्ड यूज करते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, यानी इंडिया की फौजें अमेरिकन फौजों के साथ इंट्यून हो जाए ताकि दे कैन ऑपरेट टुगेदर. सो तो अमेरिका इज प्रिपेयरिंग इंडिया क्वाड के थ्रू, I2U2 के थ्रू टू बेसिकली कंटेन चाइना. दूसरी चीज ये है, इंडिया खुद एक खजाना है टैलेंट का और उसको लूट रहा है अमेरिका हर तरह से. मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ ना, हैदराबाद में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं डेलावेयर में पढ़ा रहा हूँ. मैं कहता हूँ हैदराबाद से तीन बड़े डायमंड निकले, एक कोहिनूर, दूसरा होप और तीसरा मैं. तो वो दो तो यही है अमेरिका में, कोहिनूर अंग्रेजों ने रख ली. सो द थिंग इज कि अमेरिका इज टेकिंग टैलेंट, हर साल 1-2 लाख इंडिया के टैलेंटेड इंजीनियर्स डॉक्टर्स यहाँ आ जाते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि अब थ्रू जो इनोवेशन ब्रिज की बात कर रहे हैं उसमें भी डिफेंस, दे विल नाउ फोकस इंडियन टैलेंट ऑन अमेरिकाज डिफेंस नीड्स फंडेड बाय अमेरिका. सो दूसरी चीज, अमेरिका इज नाउ बेसिकली टेकिंग अवे जितना टैलेंट हो सकता है इंडिया से टू अमेरिका. अमेरिका की जो राज है ना, अमेरिका की कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डोमिनेशन, अमेरिका ने 250 साल में वो चीज़ें अचीव कर ली जो दूसरे मुल्कों ने 2500 साल में नहीं किया. एंड दैट इज़ बिकॉज इट ब्रिंग्स द बेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिर वो इसके लिए काम करते हैं. और जो तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया इज बिकमिंग द थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट, और लेकिन थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट ज़रूर है लेकिन इट इज़ द बिगेस्ट डिफेंस मार्केट, क्योंकि जो दो बड़े हैं चाइना और अमेरिका वो एक इम्पोर्ट नहीं करते ज्यादा हथियार, एक्सपोर्ट करते हैं. हाँ, इंडिया इज बिकम द बिगेस्ट वेपन्स बायर एंड अमेरिका इज द बिगेस्ट वेपन सेलर, दे आर द नेचुरल पार्टनर्स हैं वो. और तीसरी चीज का और एक पहलू ये है कि खासतौर से पेंडेमिक के बाद और फिर ये रशिया यूक्रेन की जंग के बाद वेस्टर्न ममालिकों को एक बहुत शदीद एहसास हो गया कि सप्लाई चेन डिपेंडेंसी जो हो गई थी, जैसा कि जर्मनी की रशिया पर और अमेरिका की चाइना पर और यूरोप की भी चाइना पर, उसे वो मिटिगेट करना चाहते हैं. तो द स्लोगन ये यूज हो रहा है चाइना प्लस वन. तो बाज लोग सप्लाई चेन में चाइना प्लस वियतनाम कर रहे हैं, तो अमेरिका इज ट्राइंग टू मेक इट चाइना प्लस इंडिया, क्योंकि इंडिया का साइज और इंडिया का पास जितने इंजीनियर्स वगैरह हैं, दे कैन एट सम पॉइंट relocate manufacturing from China into India. Well, वक्त लगेगा, but they are grooming India for all of these three things. तो ये चौथी चीज, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, ये भी है जी, डिफेंस के अलावा भी. मूवीज, हर चीज, नेटफ्लिक्स कितना पॉपुलर है आपके पास, यू नो यू आर ऑल्सो कल्चरल कंज्यूमर ऑफ अमेरिकन प्रोडक्ट्स ना. तो इंडिया इज अनडाउटेडली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका. तो जो स्ट्रेटेजिकली जो सोच रहे हैं अमेरिकन, दे अंडरस्टैंड के भाई देखो मोदी तो वहाँ हमेशा रहने वाले नहीं है लेकिन इंडिया तो हमेशा रहेगा. सो वी नीड इंडिया देयर. दिस इज नॉट अबाउट मोदी, सिवाय इंडियंस के और नोबडी थिंक्स दैट दिस इज अबाउट मोदी. दिस इज अबाउट इंडिया, दिस इज अबाउट चाइना एंड दिस इज अबाउट अमेरिका. मैं पिछले 2-3 महीने से ये बात, जब भी मुझे मौका मिला, मैं इंडियन से कहने की कोशिश करता हूँ कि इंडिया का जो ग्रोथ हुआ है ना सडनली फ्रॉम ए GDP परस्पेक्टिव, कि इंडिया एक किस्म से किंग मेकर बन गया है. किंग मेकर यानि अगर ये जो चाइना बेसिकली अमेरिका का तख्ता पलटने की कोशिश कर रहा है, इट वॉन्ट्स टू रिमूव अमेरिका फ्रॉम नंबर वन स्पॉट और ग्लोबल ऑर्डर भी बदल देगा. तो ये जो तख्ता पलटने की जो कोशिश कर रहा है, अगर इंडिया साइड्स विद अमेरिका तो अमेरिकन हेजेमनी तो ये पूरी सेंचुरी तक एक्सटेंड हो जाएगी और शायद नेक्स्ट सेंचुरी में भी अमेरिका और वेस्ट विल डोमिनेट. लेकिन अगर इंडिया न्यूट्रल रहता या चाइना से
माहिरा कर लेता, कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लेता, तो ये सेंचुरी विल बिकम द एशियन सेंचुरी एंड वेस्ट की हेजेम खत्म हो जाएगी। तो इंडिया हैज टू थिंक वेरी केयरफुली के अब बातों से ऐसा लगता है, खासतौर से इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर, यू नो थोड़ा एरोगेंस आ गया है, दे आर थिंकिंग दे आर स्मार्टर देन अमेरिका, कि हम अमेरिका से जो जो चाहे वो ले लेंगे और कुछ देंगे नहीं बाहर। वी विल नॉट मेक कंसेशंस टू इंडिया टू अमेरिका बट वी विल टेक एवरीथिंग। एशली टेलिस ने एक अच्छा आर्टिकल लिखा था फॉरेन अफेयर्स में, उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया की पोजीशन ऐसी है, अगर इंडिया की चाइना से जंग होती है तो दे वांट अमेरिका टू हेल्प, लेकिन अगर अमेरिका की चाइना के साथ जंग होती है देन इंडिया मे नॉट हेल्प। जी, तो प्रोफेसर मुक्तिदर, मैं यहाँ जो मूल सवाल है उस पर लौटना चाहूंगा कि मोदी जी का अपना एक राजनीतिक एजेंडा है, मोदी जी घरेलू स्तर पर लगातार मार खा रहे हैं, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है, अडानी वाले प्रसंग से लेकर और मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, या कर्नाटक का इलेक्शन है, भारत जोड़ो यात्रा, इतनी सारी चीजें पिछले 6-8 महीने में हुई है, आप चाहे तो किसान आंदोलन से अभी तक का सिलसिला ले सकते हैं, अब वो निकलना चाहते हैं उससे, और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो ह्यूमन राइट्स और दूसरी चीजें हैं वो धीरे धीरे हावी होती गई है। अभी राहुल गांधी गए थे अमेरिका, उन्होंने कई जगह पर इस तरह की मुद्दे उठाए जिससे भारत सरकार परेशान हुई, चीखी चिल्लाई, उसमें हमले किए राहुल गांधी, तो क्या ये राजनीतिक एजेंडा वहां पूरा होता दिख रहा है? क्या इमेज बिल्डिंग की जो कोशिश की जा रही है वो कामयाब होती दिख रही है? देखिए, जो इंडिया का मीडिया है जिस तरह से ये होल ट्रिप को प्रोजेक्ट कर रहा है, दे आर सेइंग कि अमेरिका ये चीज सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा है कि मोदी है, विच इज नॉट ट्रू। यू नो, अगर जावेद जाफरी वो मस्खरे भी अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते तो इंडिया उनको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता। अमेरिका इज बेसिकली जितना वो मतलब चमचागिरी कर सकता है वो ये कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ सेइंग कि ईगो को मसाज करना था वो मसाज कर रहा है ईगो। बट जो इंडिया में देखिए, कर्नाटका के इलेक्शन के बाद मुझे आके कई लोगों ने ट्विटर पर और मेरे चैनल पे बार बार ये कहा कि दिस इज लोकल इलेक्शन था इसलिए मोदी जी हार गए, बिकॉज मोदी वॉज कैंपेनिंग देयर लास्ट 10-15 दिन, वो बजरंग बली करते फिर रहे थे पूरा स्टेट, दे लॉस्ट द स्टेट, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नेशनल इलेक्शंस दिस सेम कर्नाटका वाले विल वोट फॉर बीजेपी एंड मोदी। तो वो जो परसेप्शन है कि डोमेस्टिक लोकल इश्यूज पे दे मे नॉट वोट फॉर बीजेपी बट फॉर नेशनल इश्यूज मोदी इज गुड बिकॉज मोदी इज गुड फॉर इंडिया, वो जो परसेप्शन है ये मीडिया जो इंडियन मीडिया जो कवरेज दे रही है मोदी को, दैट विल बी स्ट्रेंथन्ड, राइट? ठीक है, मणिपुर में कुछ नहीं किया, ठीक है इधर कुछ नहीं किया उधर नहीं किया, लेकिन भारत को देखो व्हाइट हाउस में जाके तकरीर कर दी और यहाँ कर दी, दैट इज गुड फॉर इंडिया, तो एटलीस्ट नेशनल इलेक्शन में तो आप वोट करें। बट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ऑफ्टन टाइम्स ये कहावत बिल्कुल सही कि ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल, और मुझे लगता है कि एंड ऑफ जब इलेक्शंस इंडिया में कब है, मई में आएंगे अगले साल, तो ये सब भूल जाएंगे ये कवरेज वगैरह। बट राइट नाउ जो बीजेपी का इमेज का जो डिक्लाइन हो रहा है परसेप्शन में, वो जो है सो उसको स्टेम करने की कोशिश। बट मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती कि इंडिया में खासतौर से आरएसएस बीजेपी की जो लीडरशिप वगैरह है, दे आर मेकिंग मोदी बिगर देन आरएसएस एंड बीजेपी एंड बिगर देन इंडिया। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द पॉइंट, मतलब उनके लिए भी ये नुकसानदेह हो सकता है कि इफ ही बिकम्स बिगर देन द पार्टी, तो पार्टी उनका तो ये कि जब तक उनका एजेंडा हो रहा है उस पर अमल हो रहा है जो भी उनके हिंदू राष्ट्र के प्रमुख एजेंडे में शामिल है चीजें, वो एक एक करके मोदी जी कर रहे हैं, तब तक उन्हें परेशानी नहीं है। इलेक्शन हारने लगेंगे तब परेशानी होगी, सत्ता से बाहर होने की नौबत आएगी तब बीजेपी में दिक्कतें होंगी, संघ परिवार भी सोचेगा कि अब मोदी जी के अलावा किसको लाया जाए। लेकिन मुझे लगता है ये प्रश्न तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये बताएं कि क्या इस इवेंट को, इसे इवेंट ही कहना ठीक होगा मोदी जी की यात्रा को, क्या ये इवेंट तक सीमित रहेगी? मोदी जी लौट आएंगे उसके बाद सारी चीजें एज यूजुअल हो जाएंगी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरह से रिएक्ट करने लगेगा
धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में उसकी रिपोर्ट्स उसी तरह की आने लगेंगी, ये डील वील हो जाए इसके बाद फिर वही पटरी पर दोनों लौट जाए। देखिए जो लफ्ज टिपिंग पॉइंट इस्तेमाल होता है ना, कि टिपिंग पॉइंट क्या है, अभी तक एटलीस्ट मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता कब बाइडन कहेंगे कि यार बहुत इन्वेस्ट कर लिया इंडिया में, इट इज टू मच एंड वी आर नॉट गेटिंग बैक व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग। वो टिपिंग पॉइंट क्या है अभी तक आई हैव नॉट अंडरस्टूड, क्योंकि ये 15 साल से अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैव बीन इन्वेस्टिंग इन इंडिया, जब से न्यूक्लियर डील बनी है और सैंक्शंस उठाए गए इंडिया के, तो जब से मतलब इंडिया इंडिया डज नॉट प्ले फेयर ऑन द ट्रेड ऑल्सो विथ अमेरिका, हालांकि अमेरिका मुसलसिल ट्रेड डेफिसिट मेंटेन किया हुआ है इंडिया के साथ। सो जैसा चाइना के साथ अमेरिका को प्रॉब्लम्स था, इंडिया के साथ भी वही प्रॉब्लम्स है ट्रेड को लेकर। सो दे आर नॉट पुशिंग दैट, ह्यूमन राइट्स के मामले में चुप हो गए हैं। सो कब तक, व्हेन विल दे रियलाइज के इंडिया इज, जैसा एशली टेलिस ने लिखा था, इज नॉट अ गुड बेट, राइट? और दे आर नॉट इवन लिसनिंग केयरफुली टू मतलब खास तौर से जयशंकर साहब। जयशंकर इज नॉट कन्विंस्ड के दिस इज ए मिलिट्री अलायंस, मतलब वो चाह रहे हैं कि बेसिकली अमेरिका और कमजोर हो जाए, दुनिया मल्टीपोलर बन जाए ताकि इंडिया बिकम्स मोर पावरफुल। तो इनका एजेंडा और अमेरिका का एजेंडा कंप्लीटली मिसअलाइंड है, इट इज नॉट ऑन द सेम पेज, बट अमेरिका इज होपिंग के वो इन्फ्लुएंस कर देगा, जैसा चाइना को सुपर पावर बना दिया 30 ईयर्स में, यू नो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट कर लिया, चाइना को मल्टी मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया, उसके जो वायलेशन थे ट्रेड अग्रीमेंट उसको नज़रअंदाज कर दिया। सो दे हैव बीन डूइंग दिस विद इंडिया टू, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया के लिए दिस इज ए स्पेसिफिक टर्निंग पॉइंट। दो तीन चीज़ें हो रही हैं, एक कि ये जो F414 इंजन्स जो आ रहे हैं ना, इंडिया में वो कैपेबिलिटी ही नहीं थी कि वो फिफ्थ जनरेशन इंजन्स बनाए जेट फाइटर्स के। सो सडनली दुनिया में इस वक्त सिर्फ 4 मुल्क हैं जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स बना सकते हैं, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, अब फ्रांस, आई डोंट इवन नो हाउ गुड फ्रेंच इंजन्स हैं वो तो, लेकिन इंडिया विल बी नाउ केपेबल ऑफ, मतलब इंडिया की टेक्नोलॉजिकल डिफेंस केपेबिलिटी को डेफिनेटली अमेरिका ने लिफ्ट कर दिया है। सो इंडिया कुड बी 2-3 साल के अंदर एक्सपोर्टिंग जेट्स विच आर फिफ्थ जनरेशन जेट्स। सो इंडिया विल नॉट ओनली बिकम डिफेंस केपेबिलिटी बढ़ गई, बट एज अ डिफेंस एक्सपोर्टर इंडिया की क्वालिटी बढ़ गई। सो देर इज अ डेफिनेट, मतलब ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने एक जेन्युइन तोहफा दे दिया है इंडिया को इस ट्रिप में। दूसरी चीज ये है कि वो जो ICET और जो इंडस एक्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अमेरिकन डिफेंस प्राइवेट सेक्टर्स को यहाँ पे मिलाया जा रहा है, उससे ये भी हो सकता है कि जो डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है इंडिया को या डिफेंस मटेरियल जो बेचा जा रहा है वो और तेज़ी से और फास्टर होगा, बट दैट मीन्स दे विल सेल मोर एंड मोर टू इंडिया। सो सेकेंड पार्ट इज अबाउट बाइंग, नॉट अबाउट, जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर कल ईरान आके कहता है हमको 100 F-16 दें ये ले कैश, America is not going to sell F-16s to Iran. वो कितना भी double offer कर ले, triple offer. So America doesn't sell weapons to everybody. So India has come in a position where India can potentially buy everything that is in the दुकान. मतलब दुकान में जो भी चीज है अब वो इंडिया के लिए अवेलेबल है और तेजी से fast मिलेंगे. तो ये दो चीजें हुई हैं, लेकिन अमेरिका के लिए ये हुए है। और तीसरी चीज ये है कि जो अमेरिकन इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दे आर असर्टिंग देमसेल्फ मोर पॉलिटिकली। तो उससे अगर जैसा नरेंद्र मोदी हैज यूज्ड एंड वेपनाइज्ड इंडियन डायस्पोरा, मैं बस इसी प्रश्न पर आने चाहता था डॉक्टर मुक्तधर, कि क्या ये दोनों के राजनीतिक एजेंडे का भी हिस्सा है? अगले साल दोनों जगह चुनाव होने, अमेरिका में भी और इंडिया में भी, तो दोनों बाइडेन और मोदी क्या दोनों एक दूसरे के लिए मौके उपलब्ध करा रहे हैं? ट्रंप के लिए, ट्रंप ने और मोदी ने एक समय यही किया था, ये कमोबेश इसके साथ साथ बाकी चीजों के साथ साथ ये भी हो रहा है। मतलब वो जो नारा लगा था अहमदाबाद में, अगली बार ट्रंप सरकार वाला, यू नो द सेम। चक्कर ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत ही हिपोक्रिटिकल हो गई है, इन द सेंस के अमेरिका में तो वो डेमोक्रेट्स लेफ्ट ऑफ सेंटर को वोट करते हैं,
सबसे ज़्यादा पैसे लेफ्ट ऑफ सेंटर डेमोक्रेट्स को देते हैं, डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते हैं, और इंडिया में राइट ऑफ सेंटर को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुकेश साहब आप रहिए अंडर राइट विंग, मैं उसको फंड करूंगा, लेकिन यहाँ आई डोंट वांट टू लिव अंडर राइट विंग, क्योंकि राइट विंग तो ज़िनोफोबिक, रियली एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू, बहुत ही एंटी ह्यूमन राइट्स, रेसिज्म, बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं राइट विंग वाले, हम उनके अंडर नहीं रहेंगे यहाँ पर, लेकिन हम आपको हेल्प करेंगे ताकि आप राइट विंग। सो दैट इज वन सेंस। 74% इंडियंस ने जो है सो जो बाइडन को वोट दिया था लास्ट टाइम, अब वो बढ़ जाएंगे ये खासतौर से ये मोदी शो के, आई वोंट बी सरप्राइज के 80-85% तक। बट इट इज नॉट जस्ट वोटिंग, पैसे भी बहुत देंगे। सो वी विल बैंक रोल, मेरे ख्याल से अमेरिकन ज्यूइश कम्युनिटी के बाद शायद द सेकेंड बिगेस्ट कम्युनिटी जो पैसे देगी इलेक्शन में इस बार विल बी इंडियन अमेरिकन्स, और कंटेस्ट भी करेंगी, फिर बाद में पॉलिसी पोजिशंस में भी लेगी। तो इन दैट सेंस इट इज़ वेरी गुड फॉर द इंडियन कम्युनिटी। लेकिन ये जो दुगलापन है वो कब तक चलेगा, मैं ये आपको मतलब एट सम पॉइंट दे आर गोइंग टू रियलाइज कि ये आई डोंट थिंक दिस विल गो इनटू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन्स। ये मेरी तरह के जो फर्स्ट जनरेशन है ना, जो अभी भी इंडिया आते जाते रहते हैं, उनके बच्चे शायद विल बी मोस्टली लेफ्ट या प्रोग्रेसिव लेफ्ट, लेकिन जो पेरेंट्स हैं जो parents are more successful than their children, by the way, bachche are not as successful as their parents, to agar aap average incomes wagara bhi dekhen to I have a feeling ke ye jo diaspora hai it is playing, I think it is not in the interest of India jis tarah ki unki politics, lekin chakkar ye hai ke yahan pe aake na jo america ka culture aur america ka politics dekhte hain to immigrants basically dar jate hain ke unke bachche will lose their religious identity, तो उससे वो मजबूरन रिलीजन की तरफ दौड़ते हैं, एंड दे सी बीजेपी, मोदी, आरएसएस एज ए वे टू सेव द रिलीजियस आइडेंटिटी बच्चों की। तो उस वजह से भी अमेरिका में एचएसएस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और काफी इन्फ्लुएंशियल हो गया है इन हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी। लेकिन एस्टिमेट जो मैंने देखा है अमेरिका में क्या, जहां भी भारतीय जहां भी है वहां इसी तरह से बिहेव करते हैं वो वहां तो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो और हिंदुस्तान में मोदी क्रेसी चलती रहे, तो ये तो हम लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन जी आप फ्रीज हो गए थे। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि अमेरिका में 50% जो डायस्पोरा है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को सपोर्ट करता है, जो बाकी का 50% है या तो डिसंगेज है, यानी वो अपने रोजमर्रा के चीज़ों में इतना इन्वॉल्व है कि ना तो कम्युनिटी से ताल्लुक रखता ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। मे बी टीवी पे एक आध 10-15 मिनट देख लेंगे अगर ये बताया गया, एंड देन देयर इज ए स्मॉल कम्युनिटी मेरे ख्याल से 15-20% जो बहुत ही स्ट्रिक्टली एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस है, और वो बड़ी बहुत काम कर रहे हैं वो लोग। यू कैन सी के दे आर वर्किंग ओवर टाइम, प्रोटेस्ट हो रहे हैं अभी इस वक्त एज वी स्पीक, नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में हैं और वहाँ पर बाहर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। वाशिंगटन में आपने एक इमेज भी लगाया कि लोगों ने ट्रक्स वगैरह हायर करके न्यूयॉर्क वगैरह में ये ट्रक्स सवाल उठा रहे हैं कि बीबीसी को क्यों बैन किया, गुजरात में क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स का सिचुएशन, व्हाई आर वी इग्नोरिंग इट। और आपको याद होगा कि शायद 1.5-2 महीना पहले स्टेट डिपार्टमेंट की खुद जो रिपोर्ट आई इंडिया की ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम की, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थी और काफ़ी स्ट्रॉन्गली नेगेटिव थी। हालांकि ब्लिंकन ने उसका जिक्र तक नहीं किया, बट द स्टेट डिपार्टमेंट पोस्टेड दैट रिपोर्ट, उन्होंने उसको छुपाया नहीं, उसको डायल्यूट भी नहीं किया, और अगर डायल्यूट किया देन आई वुड रियली वांट टू सी द ओरिजिनल ड्राफ्ट। तो बहुत ही सख्त है, तो वो दैट इज अवेलेबल टू कांग्रेस, और 75 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ने लेटर लिखा के बाइडन शुड आस्क इंडिया अबाउट इट्स ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड। रिकग्नाइज कर रहे हैं कि इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर, लेकिन वी कैन नॉट एज अ गुड फ्रेंड, ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम इंडिया को अपनी ह्यूमन राइट्स और उसकी डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग के ऊपर सवाल उठाने चाहिए। तो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, मैं अगर आपके कोई स्टूडेंट वगैरह इंटरेस्टेड है तो उनको कहिए कि जाके जो जितने भी मेन अखबारात हैं उनके जो एडिटोरियल्स हैं वो पढ़ें पूरे के पूरे, और दे आर ऑल रेजिंग द इश्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऐसा कोई अखबार नहीं है जिसने
ये एक पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, चार पैराग्राफ के होते हैं एडिटोरियल्स, जिसमें एक पैराग्राफ पूरा का पूरा हैज नॉट बीन, इट इज सिस्टमैटिक. एक पैराग्राफ डायस्पोरा पे है, एक पैराग्राफ चाइना के वजह से है, एक पैराग्राफ जो चीजें हो रही हैं मतलब जो F-14 वगैरह, और एक पैराग्राफ ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, माइनॉरिटी राइट्स, रिपोर्टर्स के साथ जो हाथ हो रहा है, ऑपोजिशन के साथ. मैं तो देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ने तो राहुल गांधी को जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर कर दिया गया उसका भी जिक्र किया है उन्होंने. सो द थिंग इज के मोदी इज, और दूसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी के बारे में आर्टिकल्स नहीं छप रहे, ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं छप रहा है. नरेंद्र मोदी चाय वाला से बन के प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कोई, इट्स लाइक अ ग्रेट स्टोरी टू टेल ना, कि भाई जैसा अब्राहम लिंकन का कहते हैं लॉक कैबिन टू व्हाइट हाउस कहते हैं बार बार, ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं देखने को नहीं मिला कोई अच्छे बड़े अखबार में, या उनकी सारी जिंदगी के बारे में बताया जाए, हाउ ही बिकेम दिस दैट एंड द अदर. बट देर आर मोर आर्टिकल्स अबाउट इंडिया के ह्यूमन राइट्स. तो मेरे ख्याल से अब जहां जहां मोदी जा रहे हैं और जो भी वो करें, दैट इज फाइन, ही इज गेटिंग अटेंशन, क्योंकि इंडिया की मीडिया इसका कवरेज इज जस्ट वन साइडेड, बट द ग्लोबल मीडिया इज नॉट वन साइडेड कवरेज. इनफैक्ट जो लोगों को आज तक नहीं पता था होगा गुजरात के ताल्लुक से, बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के ताल्लुक से, दूसरी चीजें, मणिपुर के बारे में भी जिक्र आ रहा है, नाउ दे विल नो. जी, तो अगर हम इसको दो तरह से मैं समझना चाहता हूँ, एक तो ये कि जो पिछले दौरे थे मोदी जी के, अगर उससे इसको कंपेयर करें तो क्या फर्क दिख रहा है, क्या पहले जैसा एंथुसियाज्म दिख रहा है भारतीयों में, और अमेरिका में अमेरिकी लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, वो उदासीन है, तटस्थ है, कहीं कुछ मोदी को लेकर उत्सुकता है भी कि नहीं, कि हमारा मीडिया ही उछल रहा है कि पूरा अमेरिका मोदीमय हो गया है, हर तरफ जय जय मोदी, हर हर मोदी हो रहा है. नहीं, रेस्ट ऑफ अमेरिका, मतलब अगर आप गोरे और कालों को देखें तो कोई, दे डोंट रियली केयर, ज्यादा कोई अटेंशन नहीं, सिवाय द मीडिया पॉलिसी एलीट जो है वो तो खैर डिस्कस करेंगी, बट जो पब्लिक, आम पब्लिक है वो मोस्टली इंडियंस हैं, और आके वो बड़ी तादाद में व्हाइट हाउस के बाहर मोदी 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 के नारे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इंडिया इंडिया के नारे नहीं लग रहे हैं, मोदी 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 के नारे लग रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, तो दैट इज़ अट्रैक्टिंग सम मीडिया अटेंशन, और फिर उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दे आर डेफिनेटली लेस इन नंबर्स, तो वो लोग आर गेटिंग अटेंशन. और फिर मैं सुन रहा था वो HSS के कोई साहब किसी इंडियन ही शो पर एक्सप्लेन कर रहे थे कि हालांकि उनके पास काफ़ी वक्त नहीं था, सो दे कुड ओनली गेट द कैनेडी सेंटर, जिसमें सिर्फ 1,000 लोग आते हैं, सो दैट विल बी फिल्ड. लेकिन उन्होंने ऐसा कोई स्टेडियम, वहाँ पे स्टेडियम्स हैं DC में, कई स्कूल, हाई स्कूल्स के स्टेडियम भी मिल जाते हैं आपको, लेकिन दे डिड नॉट ट्राई टू टेस्ट टू सी के 25-30,000 लोग आते हैं, जैसा कि हाउडी मोदी के लिए ह्यूस्टन में आए थे. सो आई एम नॉट वेरी श्योर के कैसा गेज करें कि एंथुसियाज्म फॉर मोदी हैज़ गॉन अप और डाउन, लेकिन अगर आप देखें जिस तरह के राहुल गांधी के लिए टर्न आउट हुआ था, सो आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली कि एंथुसियाज्म फॉर हिम हैड गॉन अप, बिकॉज दैट वाज वेरी बैडली प्लान्ड, और हर चीज़ लास्ट मिनट पे हो रही थी, तो उसके बावजूद लोग आ रहे थे और हॉल्स भर रहे थे. ये नहीं कि 25,000 नहीं आ रहे थे, 2,000-3,000-4,000 की तादाद में आ रहे थे, बट दे वर कमिंग. सो अब ह्यूस्टन के बाद से ऐसा कोई बड़ा मोमेंट नहीं हुआ अमेरिका में जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी क्या है, मतलब सिडनी ऑस्ट्रेलिया का जो इवेंट था, बट दे आर बेटर ऑर्गेनाइज, भी बहुत अच्छा है ना, मैनेज भी बहुत अच्छा करती है, प्लस मोदी हैज़ द एडवांटेज के इंडियन एम्बेसी भी काम करती है ना, कि सारे इवेंट्स तो इंडियन एम्बेसी इज ऑर्गेनाइजिंग, ये जो कॉरपोरेशंस के साथ CEO इलॉन मस्क के साथ मीटिंग हो रही है, तो सो नॉट ओनली डू यू हैव, बहुत जगह से फंड आता है इन सब के लिए, पूरा जो कम्युनिटी है, गुजराती कम्युनिटी ओवर एक्टिव रहती है, संघ के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहले से तैयारी में लगे होते हैं. जी प्लस बिकॉज ही इज सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, लाइक अगर आप मुझे कह दें मुकेश साहब आ रहे हैं 200 मील जाके ड्राइव करके मिले उनसे, आई मीन इट इज अ टेस्ट ऑफ आवर फ्रेंडशिप ना, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है
जयशंकर साहब आ रहे हैं एंड 200 मील जाए, ही इज विलिंग टू मीट विद यू, देन आई विल प्रोबब्ली ड्राइव एंड मीट हिम, नॉट बिकॉज आई एम इन लव विद हिम, बट बिकॉज ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो वैसी वैसे भी चीज है ना, बिकॉज जो ओहदा है उसके वजह से भी ज्यादा अटेंशन मिलता है. बट ये जो इंडिया में जो लोग समझ रहे हैं कि पॉपुलैरिटी मोदी के, पॉपुलैरिटी इज इन इंडियंस नॉट आउटसाइड इंडियंस, समझे ना, ये नहीं कि नॉन इंडियन अमेरिकन्स या नॉन इंडियन यूरोपियंस आर गेटिंग गोइंग क्रेजी अबाउट इट, दैट इज नॉट द केस. बताइए कि जब राहुल गांधी वहां थे और तमाम कार्यक्रम कर रहे थे, तो यहाँ एक ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी पिच खोद रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के पहले उन्होंने इतना कुछ कर दिया है कि अब मोदी जी को दिक्कत होगी, या वो जो जितना गेन करना चाहते थे चाहते होंगे वो नहीं कर पाएंगे. क्या उसका कोई फर्क, राहुल गांधी की यात्रा का कोई इम्पैक्ट, कोई इफेक्ट दिख रहा है इस यात्रा पर, कोई असर, उसका असर ये कम कर पाएगी ये यात्रा? मैं खास तौर से जब एडिटोरियल्स पढ़ रहा था ना अखबार का, आई वॉज ट्राइंग टू सी इफ देर इज, राहुल गांधी की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं क्या, दैट इज नॉट नोटिसेबल दैट दे आर नॉट. ये तो मैं पहले भी कह रहा था कि राहुल गांधी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, वेंट टू द नेशनल प्रेस क्लब एंड मतलब हर सवाल का जवाब दिए. मेरी खुद उनकी मुलाकात हुई हडसन इंस्टीट्यूट में, जिसमें हिज स्पीच वॉज 30 seconds, एक मिनट की भी तकरीर नहीं थी, और बाकी का पूरा 90 minutes वेयर क्वेश्चन आंसर बैक एंड फोर्थ. मेरे साथ खुद मैं बहुत ही अग्रेसिवली इनसे सवाल पूछा एंड आई डिसएग्रीड, मतलब उनका जवाब और मेरा जवाब में काफ़ी डिसएग्रीड, एंड आई वेंट बैक एंड फोर्थ विथ हिम एंड ही, मतलब काफ़ी लोग वहाँ पे थे एंड वी आर ऑल डोमेन एक्सपर्ट्स ना, मतलब वी आर नॉट जस्ट नाचने और कूदने वाले लोग नहीं है. एंड ही आंसर्ड इट, ही गेव वेरी गुड आंसर्स, थॉटफुल आंसर्स, सम अग्रीड सम डिड नॉट अग्री. तो उस तरह का एंगेजमेंट नहीं हो रहा है नरेंद्र मोदी के साथ ना, मतलब सेरेमोनीज ही ज़्यादा हो रहे हैं, और जो मीटिंग्स हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क के साथ या अदर्स, दे आर नॉट क्वेश्चनिंग. लाइक इलॉन मस्क, उनसे ये नहीं पूछ रहा क्या भाई आपने ट्विटर के साथ ऐसा क्यों किया, आपने ह्यूमन राइट्स, वो तो अपने टेस्ला भेजने के चक्कर में, ही वांट्स अ फैक्ट्री इन कर्नाटका. सो आई थिंक अगर वो कहते मैं एक फैक्ट्री गुजरात में बना दूंगा तो शायद मिल भी जाए उनको टेस्ला की, बिकॉज ही वांट्स इन कर्नाटका शायद रुका हुआ है. हो सकता है ये बात हो भी गई हो भी गई हो. सो कर्नाटका के बजाय आप गुजरात में लगाइए. तो ये पॉलिसी कम्युनिटी नोटिस कर रही है. अब कह रहे हैं कि टुडे देयर इज गोइंग टू बी वन और टू क्वेश्चंस दैट ही इज टेकन, लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, यानी जो रिपोर्टर्स हैं दे हैव ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड कौन से रिपोर्टर्स सवाल पूछेंगे, एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि द क्वेश्चंस आर आल्सो क्लियर, सवाल से पता चल जाएगा कि कितनी ऑटोनॉमी है. सो द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी अखबार में आ गया है, मोर ऑर लेस अ फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो भी शायद अमेरिका के दबाव के अंडर, एंड आई थिंक दैट क्वेश्चन विल बी अ सॉफ्ट बॉल ह्यूमन राइट्स को लेकर ही होगा, ताकि ये खत्म हो जाए कि अरे ह्यूमन राइट्स पे सवाल पूछ लिया, मैंने जवाब दे दिया. बट आई एम नॉट श्योर कि बाज अखबार में साफ लिखा गया कि ये फ्लैटरी क्यों हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की. तो ये फ्लैटरी जो हो रही है, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज दे थिंक इट वर्क्स. मतलब लोगों को खुश नहीं होना चाहिए, अगर आप किसी को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं तो पता है ना, चने के झाड़ का जब मुहावरा है उसके जो डाल होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, सो इफ यू गो अप यू विल फॉल डाउन. सो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लैटरी गोइंग ऑन जो इंडियन मीडिया इज लैपिंग अप एंड नॉट लुकिंग एट ए सीरियस. आई थिंक ये जो अमेरिका और इंडिया का रिश्ता है, दिस इज ए वेरी क्रिटिकल रिलेशनशिप, ये दुनिया का रुख और इंडिया का रुख बदल देगा, और इंडियंस को चाहिए कि ज़रा बहुत संजीदा से गौर फिक्र करें कि जो रास्ते पे ये मजबूरन जाना पड़ेगा इंडिया को, डू दे वांट टू गो ऑन दैट पैथ. तो वो डिस्कशन हो ही नहीं रहा, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ, मतलब बस यही मोदी, या तो मोदी पॉजिटिव या मोदी के क्रिटिसिज्म में. द फोकस इज नॉट ऑन वेयर इज इंडिया गोइंग विद दिस, इज दिस रियली गुड. देखिए आप अशोका मोदी नाम के एक प्रोफेसर की किताब आई थी इंडिया इज ब्रोकन, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि 2-3 बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट,
तो आप बनाए जा रहे हैं इंजीनियर्स जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सो व्हाट इज द पॉइंट, क्या वो सारे अमेरिका आएंगे? सो देयर इज वन अदर प्रॉब्लम। तीसरी चीज ये है कि इंडिया की हिस्ट्री में इतना ज्यादा औरतों का लेबर मार्केट में से बाहर जाना कभी नहीं हुआ था। दिस इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, और एजुकेशन वाइज ये बढ़ गए, तो पढ़ी लिखी औरतें घर बैठे हुई हैं। दीज आर ऑल सीरियस डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन को ले लें, और द वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ते जा रही है, तो ये सारे चीजें पे कोई सीरियस डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, एंड ऑल द डिस्कशन इज जस्ट अबाउट हाउ ग्रेट। मेरे ख्याल से ये सारे इश्यूज तो डिस्कस होने भी नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि पोलराइजेशन का खेल चल रहा है जिसमें उन मुद्दों को हावी कर दिया जाता है जिनसे वोट कमाए जाते हैं। जी, तो यूसीसी शुरू हो जाएगा। जी, तो मेरा एक सवाल आपको निकलना भी है, आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ कि क्या, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोदी जी जो करते हैं वो चुनाव के लिए करते हैं, क्या ये विजिट भी चुनावी दृष्टि से कुछ मैनेज की गई होगी? स्टेट आपको वो मिल रहा है, इसकी चर्चा बहुत हो रही है कि राजकीय यात्रा प्रधानमंत्री को बड़े अरसे बाद बुलाया गया है मोदी जी, भारत के किसी प्रधानमंत्री, क्या ये कुछ अमेरिका को आप खुश, आपने खुश किया, अमेरिका अब आपको खुश कर रहा है, ये कुछ इस किस्म की चीज थी? देखिए, बाइडेन इज नॉट गोइंग टू गेट एनी माइलेज फ्रॉम दिस एक्सेप्ट मोर मनी फ्रॉम इंडियन अमेरिकन्स। तो यू कैन से कि बाइडेन का डेफिनेटली इलेक्टोरल फायदा डेफिनेटली होने वाला है, और एक ज़माना था जब ट्रंप वॉज वेरी पॉपुलर विथ इंडियंस, बट आई थिंक इसके बाद बाइडेन ने दो डिनर्स रखे हैं एक्चुअली व्हाइट हाउस में, कल और आज, आज का स्टेट डिनर है, तो दिस विल गेट हिम सम बेनिफिट। आई डोंट नो कि इंडिया की पब्लिक के लिए हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज के वो सारी चीज़ें नज़रअंदाज करके एक साल बाद, आज से एक साल बाद जो है सो दे विल गो आउट देयर एंड वोट फॉर बीजेपी इन अदर इलेक्शंस। बिकॉज आप विश्व गुरु वाली इमेज तो मजबूत करेगी इस तरह की यात्रा, मतलब डायरेक्ट इलेक्ट तो नहीं करते ना प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में, सो अगर ये डायरेक्ट इलेक्शन वाली मुल्क होती तो शायद इट वुड हैव डेफिनेटली बेनिफिटेड। ये कैंपेन के वीडियोस होते हैं उनके, मतलब दीज आर द वीडियोस, एक आई एम डेफिनेट के G20 SCO वो ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप, हिरोशिमा की ट्रिप, और इसका एक मोंटाज बना के वो जरूर आपको नजर आएगा हर पब्लिक मीटिंग से पहले, यू नो पब्लिक वेट करती है इनके आने, तो वो वीडियोस तो चलते रहेंगे। सो मतलब ये बात तो जरूरी है कि फॉर अ लॉट ऑफ इंडियंस, देखिए पब्लिक आर सेइंग के बिकॉज ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ मोदी इंडिया की इज्जत बढ़ रही है, इंडिया इज गेटिंग रिकॉग्निशन बिकॉज ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी एंड बिकॉज ऑफ ही केयर्स एंड ही वर्क्स ऑन दिस, तो उसका तो फायदा होगा ही। जो मोदी को निजी फायदा होगा, भारत को हो या ना हो, हाँ दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इलेक्टोरल बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा कि लोग कहेंगे ठीक है यार, ये पार्टी भी करप्ट है, ये पार्टी भी करप्ट है, दोनों मिलके लोकल मसले तो नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन एट द नेशनल लेवल बीजेपी इज गुड फॉर इंडिया एंड सो दे माइट गेट वोट्स बेस्ड ऑन दिस। मतलब वहां बाइडेन को भी फायदा हो रहा है और अमेरिका को भी फायदा हो रहा है। Biden could definitely, he is going to get more than 74% of the Indian vote. पैसे जरूर मिलेंगे, पैसे ऑलरेडी मिलना शुरू हो गए, आज सुबह से मैं खोल रहा हूँ तो मुझे ईमेल पे ईमेल आ रहे हैं डेमोक्रेट्स के तरफ से, $27 वो मांग रहे हैं मुसलसल, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल जो खुशी खुशी मूड में होंगे इस वक्त विल बी गिविंग मनी। So not just Biden, but Democrats generally across the board, Republicans भी, MacArthur भी, जो स्पीकर हैं ऑफ द हाउस मैकार्थी, ही विल आल्सो, केविन मैकार्थी, ही विल आल्सो बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस, क्योंकि दिस इज अ जॉइंट वेंचर ना दोनों हाउसेस का, कांग्रेस तो जो लोअर हाउस है वो रिपब्लिकन कंट्रोल कर रहे हैं, सेनेट पे डेमोक्रेट्स का कंट्रोल है, तो दोनों ने मिलके बुलाया, सो शूमर और केविन मैकार्थी, तो आई हैव ए फीलिंग के मतलब इट इज दोनों पार्टीज के लिए ये फायदा है, और नुकसान केवल डेमोक्रेसी का है, ह्यूमन राइट्स का है। जी हाँ, और जो अमेरिकन डायस्पोरा, दे नॉट उतना ज्यादा वो इंडिया की फिक्र नहीं करते, बिकॉज दे डोंट लिव इन इंडिया ना, उनके बच्चे आर गोइंग टू लिव इन इंडिया,
सो बट दे आर वेरी हैप्पी कि उनका जो रिलीजियस साइड ऑफ इट है ना वो ऊंचा हो रहा है रिलीजियस झंडा. लाइक फॉर एग्जांपल वो जो सेंगोल का जो सेरेमनी थी, तो मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, मतलब पहले तो वो मुस्लिम्स को क्रिटिसाइज करते कि तुम लोग सेक्युलर नहीं हो, तो फिर मैं जब सेंगोल की बात करता हूँ तो फिर वो बड़े चिढ़ जाते हैं. दे थिंक इट इज समथिंग ग्रेट कि हिंदू ट्रेडिशंस आर नाउ बिकमिंग पार्ट ऑफ स्टेट रिचुअल्स. तो उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि दैट इज ऑल्सो अंडरमाइनिंग द कंट्रीज सेक्युलरिज्म. तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सालों के बाद एक दो लोगों ने मुझे तो स्ट्रेट अप कह दिया कि मुक्तदर वी अंडरस्टैंड के ह्यूमन राइट्स आर सफरिंग, रिलीजियस फ्रीडम्स आर सफरिंग, बट हिंदूज हैव गॉट दिस चांस आफ्टर 1,000 years, एंड इफ यू हैव टू ब्रेक ए फ्यू एग्स टू मेक एन ऑमलेट वी विल लुक द अदर वे. ये पढ़े लिखे काफ़ी संजीदा लोग जिनकी मैं खुद बहुत इज्जत करता हूँ, पर्सनल दोस्त भी हैं हिंदूज, उन्होंने ये साफ कह दिया कि हमको पसंद नहीं आ रहा हाउ दे आर डूइंग इट, बट वी शेयर वॉट दे आर डूइंग. ये है हमारे भारतीय अमेरिका में बसे हुए. मैं बहुत बहुत शुक्रिया. एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए जो जिस तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इंडिया पे जंग करना पड़ेगा. दे हैव टू वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया और दैट इज समथिंग दे नीड टू थिंक कि अगर वो कहते हैं कि द कंट्री इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिलीजन, then they should try to save India, not Hindu Rashtra. हाँ, इस समय तो लेकिन उनके लिए रिलीजन ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इंडिया को उसी रंग में रंगे हुए देखना चाहते. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तदर, हमसे बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला. धन्यवाद.